अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी बेल बॉटम बाजू की कटिंग करना। फ्रेंड्स, को आप अम्ब्रेला बाजू भी कह सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो की तरफ चलूँ, अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में मुझे बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपनी कटिंग की तरफ। ये देखिए, ये हमने लंबाई जितनी इसकी रखनी, लेंथ इसकी जितनी रखनी थी उतना हमने कपड़ा कटिंग कर लिया है। तो ये कपड़े के दो, मतलब ये दोनों बाजू हैं। ये देखिए, ये एक बाजू है और ये दूसरा बाजू है। ये दोनों को हमने बराबर रख लिया है और दोनों को फोल्ड कर लिया है। ये देखिए, ये हमने इन दोनों को फोल्ड कर लिया है और इनको फोल्ड करके ऐसे रख लिया है। बिल्कुल बराबर हमने इसकी तह लगाई है। और अब हम सबसे पहले कंधे पे निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड, इसका कंधा जो है वो 7 इंच है। तो सबसे पहले हम 7 इंच पर एक निशान लगाएंगे। ये देखिए, 7 इंच पर हमने एक निशान लगा लिया है। और अब हम यहाँ से 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे तिरछा करने के लिए। ये हमने 2.5 इंच पर निशान लगा लिया है। और यहाँ से हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। 1.5 नहीं बल्कि 1 इंच पर इसका निशान हम लगाएंगे। ये क्योंकि मैं जो जिस जिन बाजू की कटिंग कर रही हूँ, ये तकरीबन 10 से 11 साल की बच्ची के लिए मैं कर रही हूँ कटिंग, तो उसके लिए जो 1 इंच पर ही निशान लगेगा। अगर हम बड़ों के बाजू की कटिंग करेंगे तो उस पर 1.5 इंच के फासले पर निशान लगेगा। ये मैंने तिरछा कर लिया है। अब हम यहाँ से ये जो हमने इसको खुले बाजू रखते हैं, वैसे हम आम बाजू जो बच्चों के हैं वो 4 इंच पर बंद करते हैं, बंद बाजू जो होते हैं वो 4 इंच पर रखते हैं, लेकिन हम ये जो है ये 7 इंच पर बंद करेंगे। 7.5 इंच पे हमने निशान लगा लिया फ्रेंड्स। 7.5 इंच पर हम इसको बंद करेंगे। और हम यहाँ से ये इसकी जो सी लेंथ है, ये लेंथ के दरमियान में हम निशान लगाएंगे एक, जिसमें जिससे हम इसकी शेप देंगे। तो ये देखें, इसकी लेंथ है, ये वाला निशान लगाने के बाद हम ये लेंथ लेंगे। इसकी लेंथ 22 इंच है, तो हम 11 इंच के फासले पर यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। और यहाँ से जो हमने यहाँ से फिटिंग करनी है बाजुओं की, वो हम 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे। फ्रेंड्स, इस निशान को इससे मिला लेंगे। ये देखिए, ये हमने इस निशान पे से मिला लिया है। तो फ्रेंड्स, हम अब 1.5 इंच के फासले पर जो गुंजाइश हमने रखनी है वो रखेंगे। ये देखिए, ये हम गुंजाइश का निशान लगा लेंगे। फ्रेंड्स, अब हम इसकी कटिंग करेंगे।
फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैंने इनकी कटिंग कर ली है। और ये जो हम यहाँ से हम एक कट लगा लेते हैं दरमियान में, जो बाजू जोड़ने के वक्त हमें काम आता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे बेल बॉटम बाजू की कटिंग हो गई है। तो फ्रेंड्स अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। और अगर आप दूसरे बाजू पे भी यहाँ पे ही ऐसे ही यहाँ से निशान रख कर इस निशान के हिसाब से दूसरे बाजू पर भी ऐसे निशान लगा लें, ताकि हमें सिलाई करने के वक्त आसानी हो, दूसरे बाजू पे भी हमें निशान लगाने का कोई मसला ना हो। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बेल बॉटम बाजू कट चुके हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको इसकी कटिंग बताई है। तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और मेरी वीडियो को शेयर लाजम करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो अल्लाह हाफिज़।